हाय एवरीवन, सो आज मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ इंटीजर्स के ऊपर। इस पार्ट में हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि चार तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, क्लोजर होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, क्लोज अपनी एसोसिएटिव होती है, कम्यूटेटिव होती है। तो इन प्रॉपर्टीज का हम देखेंगे कि किस तरीके से इंटीजर्स का जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शंस करते हैं तो इन आइडेंटिटी ये या ये जो भी प्रॉपर्टीज है इनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है इंटीजर्स। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इंटीजर्स को फॉलो करती हैं या नहीं करती है, या प्रॉपर्टीज इंटीजर्स पे लागू होती हैं या नहीं होती हैं। सो लेट्स सी। ओके, सो व्हाट आर इंटीजर्स? ओके, व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। सो इंटीजर्स कुछ नहीं होते हैं, दे आर अ सेट ऑफ अ होल नंबर। ये होल नंबर्स होते हैं, लेकिन इन होल नंबर्स में क्या होता है, दे आर सेट ऑफ अ होल नंबर। तो इंटीजर्स क्या होता है, ये समूह होता है। समूह मतलब कि ग्रुप होता है जिसमें होल नंबर्स होंगे, लेकिन कैसे होल नंबर्स होंगे, उस होल नंबर्स में आपको पता है जीरो भी रहेगा, नेचुरल नंबर भी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी रहेंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी रहेंगे, जीरो भी रहेगा, तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। ओके, बारे में हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एसोसिएटिव एंड एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? सो व्हाट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी? अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में क्या समझते हैं, क्लोजर अगर देखते हैं कि क्लोजर 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 जो है वो एक क्लोज क्लोज वर्ड से मिलके बना है। क्लोज मतलब कि बंद। मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई दो इंटीजर्स का एडिशन करूंगी या सब्स्ट्रैक्शंस करूंगी तो मुझे इंटीजर ही मिलेगा। मतलब कि अगर एक इंटीजर का क्या है, एक इंटीजर का घेरा है, घेरा मतलब कि एक बॉर्डर है, और अगर मैं उस इंटीजर के अंदर दो नंबर को ऐड करूंगी तो मुझे वो इंटीजर ही मिलेगा। मतलब वो एकदम क्लोज रहेगा उस चीज के अंदर। दो इंटीजर्स को ऐड करूंगी तो इंटीजर्स ही मिलेगा, दो होल नंबर को ऐड करूंगी तो मुझे होल नंबर ही मिलेगा। तो एक घेरे के अंदर ही रहेगा, वो क्लोजर रहेगा, क्लोज रहेगा। या अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो तो इंटीजर मिलेगा, दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ओके, सो दिस इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्या बोलती है कि अगर आप किसी भी दो नंबर का सम करेंगे या डिफरेंस लेंगे कोई भी दो इंटीजर्स का, अगर आप कोई भी दो नंबर का सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे कोई भी दो इंटीजर्स का, तो अगर p और q दो इंटीजर्स हैं और अगर मैं p प्लस q के एडिशन करूंगी या p माइनस q भी करूंगी तो मुझे इंटीजर मिलेगा। p और q क्या है? कुछ नंबर्स ही हैं बस, और कुछ नहीं है। सो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक, तो जैसे कि अपन ने प्रीवियस वाले में देखा कि कैसे ये वाले का नंबर -45 आया। क्या आंसर आया हमारा? हमारा जो आंसर आया था वो आया है -45। अब -45 ये इंटीजर ही है, यानी कि जब मैं कोई दो इंटीजर नंबर के एडिशन कर रही हूँ तो मुझे इंटीजर ही मिला। सिमिलरली अगर मैं 19 दे रही हूँ, 19 मैंने यहाँ पे लिखा, एंड प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -25 होगा। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यानी यहाँ पे जरूर प्लस का साइन होगा। सो प्लस माइनस माइनस होता है, तो जब आप 25 को 19 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से आप इसको एक कैरी यहाँ दे दोगे, 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 0 रहेगा, तो 6 यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन 6 के साथ पॉजिटिव साइन रहेगा या नेगेटिव साइन रहेगा वो क्या रहेगा? क्योंकि 25 ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर के पास नेगेटिव साइन है, तो आंसर में भी नेगेटिव साइन होगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो -6 आ जाएगा, क्योंकि -6 इंटीजर है, तो दो एडिशंस का भी अपन को क्या मिला, इंटीजर ही मिला। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉलो करती है। ओके, सब्ट्रैक्शन अगर हम देखते हैं कि अगर हम सब्ट्रैक्शन में लेते हैं तो वो किस तरीके से करती है, कि अगर कोई दो नंबर है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर होगा। कैसे? जैसे कि 7 - 9। ओके, तो माइनस करेंगे या 9 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा?
9 में से 7 माइनस करेंगे सो हमें 2 ही मिलेगा, लेकिन साइन प्लस का आएगा क्या माइनस का आएगा, क्योंकि 7 और 9 में से 9 बड़ा है और 9 के आगे नेगेटिव का साइन है तो इसके पास नेगेटिव का साइन रहेगा। इसी प्रकार से नीचे अपना माइनस 8 है, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा और 14 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि जब ब्रैकेट खुलता है तो माइनस माइनस प्लस, तो जो साइन आ रहा है वो अपन को लिखना है। अब यहाँ पे बताओ कि ये प्लस में है या माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे अपना 14 में से 8 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 6 यहाँ पे आएगा। 14 में से जब 8 जाएगा तो यहाँ पे 6 आ रहा है, ओके सो 6 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आप ये बताओ नेगेटिव या प्लस कौन सा साइन आएगा, क्योंकि 14 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा 6 के पास, या आप केवल और केवल 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 6 लिखो या 6 लिखो, बात एक है। तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के अंदर भी फॉलो कर रही है, क्योंकि जब हम कोई दो इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो भी मुझे एक इंटीजर ही मिल रहा है। सो व्हाट इज दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव वर्ड किससे मिलके बना है, अगर आप ये देखेंगे ना कि ये जो वर्ड है ये कम्यूटेटिव वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, एक्सचेंजिंग प्लेस। इस वर्ड का मतलब कम्यूटेटिंग से आया है, एक्सचेंजिंग प्लेस का मतलब है जब आप जगह एक्सचेंज कर दोगे, बदल दोगे, ओके सो व्हेन यू एक्सचेंज द प्लेसेस, जब बदल दोगे तो जब आप एडिशन करोगे या सब्सट्रैक्शन करोगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है। अब हमें ये देखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो हो रही है या सब्सट्रैक्शन में फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये इसलिए स्टेट करता है कि जो ऑर्डर ऑफ द नंबर, मतलब कि आप पहले 1 को ऐड कर लो या पहले 2 को ऐड करो, अगर मैंने बोला 1 प्लस 2 या आप पहले 1 प्लस 2 कर लो या 2 प्लस 1 कर दो, आएगा तो 3 ही, तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता है और जिससे कि रिजल्ट जो आएगा उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ओके या आप ए प्लस बी कर लो या बी प्लस ए कर लो, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, ओके सो अगर हम एडिशन में देखते हैं कि किस तरीके से हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में वर्क करती है या नहीं, ये हम यहाँ पे देखते हैं, ओके सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क। ओके सो यहाँ पे माइनस 8 है, प्लस माइनस माइनस आएगा 9। ठीक है, अब आप देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 प्लस 9 कितना होगा, 8 प्लस 9 17 होगा, साइन किसका आएगा, 8 बड़ा या 9, 9 बड़ा है, उसके पास कौन सा साइन है, नेगेटिव का साइन है, तो इसके पास नेगेटिव का साइन आएगा। अब आप ये देखो ये माइनस 9 हो गया, प्लस माइनस ये दोनों, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 8, ओके अब ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 9 प्लस 8 17, साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का आ रहा है, यानी कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, कि जब हम इंटीजर्स में जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो एडिशन वो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जब हम इंटीजर्स का एडिशन करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसके ऊपर लगाएंगे तो ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो तो तब वो प्रॉपर्टी वहां पे फॉलो होगी। अब हमें ये देखना है कि सब्सट्रैक्शन में भी ऐसा होता है या नहीं, सो लेट्स सी। जैसे कि अगर हम सब्सट्रैक्शन में देख रहे हैं, तो जब हम सब्सट्रैक्शन में देख रहे हैं सो ये है 5 माइनस माइनस 3, सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 माइनस माइनस प्लस 3 लिख सकती हूँ, ठीक है, और 5 प्लस 3 कितना आता है, 8 आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ माइनस 3 और माइनस 5, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस आता है, तो 5 प्लस 3 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 बड़ा है या 5, 5 बड़ा है, 5 के पास नेगेटिव साइन है, तो ये सेम सेम आ रहा है, ये मैंने a प्लस बी किया और यहाँ पे मैंने b प्लस ए किया, क्या ये सेम सेम आया, नहीं, यानी कि मेरा a प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू b प्लस ए, a प्लस बी और b प्लस ए नहीं है, यानी कि इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे ये पता चलता है कि सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, कि यानी कि जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे इंटीजर्स का और उसमें अगर मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, वेरीफाई नहीं करेगा, उसमें सब्सट्रैक्शन नहीं माना या होता नहीं है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं इंटीजर की, सिंपल बात ये है, ओके
सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई इंटीजर्स के ऊपर, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आप वहां से जाके मेरी पूरी इंटीजर्स की जो प्लेलिस्ट है वो वॉच कर सकते हैं. थैंक यू एंड बाय बाय.